stop the kid with what happened is an act of terror. I'm trapped in here. It cut off all our roads. Not just the roads, the whole town. What the hell is going on? And who isn't? Stuck in a giant fishbowl. I used to have the other one. Ate him. Welcome to our YouTube channel, friends, to movie Under the Dome Fact and Review. Please my channel like and subscribe. Under the Dome 2013 and mysterious movie IMDb rating and 10 में से 6.5 की and Rotten Tomato rating 83%. Under Dome मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2013 एंड मिस्टीरियस मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे।
इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी की कई एपिसोड भी। वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी की कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडर डोम मूवी को वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से
फैल को उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015। यानी कि ये मूवी की कई एपिसोड भी वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013
और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि ये मूवी की वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था
और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेवन स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेवन स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015। यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडर डोम मूवी को पसंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में।
इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिन की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBS, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लोंग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBS टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HD TV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी की कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडरडोम मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBS, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लोंग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBS टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HD TV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी की कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडरडोम मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम
2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडरडोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रोंस, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडरडॉग मूवी वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट।
इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रॉन्स CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडरडॉग मूवी को पसंद वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविजन सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रॉन्स CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडरडॉग मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविजन सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE
जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू, प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविजन सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015, यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू, प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से
फैल्कन के कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रोंस, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 2013 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रोंस, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल टीम यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रोंस, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल टीम यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने।
सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉडफेल डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किया था टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लोंग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉडफेल डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविजन ब्रास ब्रोंस CBSE टेलीविजन स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180 प्लस पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015। यानी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट
हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सर्ट्रेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सिट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सर्ट्रेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम
मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBS, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBS टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBS, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सटरेंस ने, सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फेल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स, CBS टेलीविज़न
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड गेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने।
सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल डेविड गेट्स ने। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनल टीम यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट
हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लोंग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE, जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लोंग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल, डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमिक ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 6.5 की रोटन टमाटो रेटिंग 83%। अंडर डोम
मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 यूएसए में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को वेलकम टू आवर YouTube चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रोटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 यूएसए में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग, स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग,
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडी सेट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल कर उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मैरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपन किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने।
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू। प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी। मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की एंड रॉटन टमेटो रेटिंग 83%। अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे एलेक्जेंडर कोच, स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन, जेनिफर लेविंस, मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSE जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग, रिचल रेविंस, नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स, स्टेपेंस किंग, एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने।
सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल डेविड ग्रेट्स ने और डेक इट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू मूवी अंडर द डोम फैक्ट एंड रिव्यू प्लीज माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब अंडर द डोम 2030 एंड मिस्टीरियस मूवी मूवी IMDb रेटिंग एंड 10 में से 6.5 की रॉटन टमेटो रेटिंग 83% अंडर डोम मूवी में दिखाया गया है कि एक शहर के निवासी समस्याओं का सामना करते हैं जब एक विशाल गुंबद दुनिया में बाकी हिस्सों से फैल के उनके कैदी करता है और वे जीवित रहते हैं लेकिन अनेक तरह से खोजने के लिए मजबूर है जब वह एक सरकार उन्हें नहीं बचाती है। यानी कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक शहर में अंडर द डोम बन जाता है गुंबद की तरह। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 जून 2013 USA में और इस मूवी को बेस्ड ऑन रखा गया था अंडर द डोम में। इस मूवी के स्टारिंग में हमें नज़र आए थे अलेक्जेंडर कोच स्प्लेडिंग की किंग स्लेडन जेनिफर लेविंस मिक बोलेंग्स और डैनी वॉनर्स और एडिन चेल्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें नज़र आए थे। अंडर द डोम जो कि अमेरिकाई एक टीवी सीरीज है जिसे ड्रामा टेलीविज़न सीरीज बनाया गया है जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है CBSC जो कि 24 जून 2013 से इसका कई एपिसोड बने थे। इसको स्टारिंग में मिक ब्लॉन्ग रिचल रेविंस नोटेल मेरिट्स नज़र आए थे और इस मूवी के कंट्री ओरिजिनलिटी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थे इंग्लिश। मूवी को एपिसोड में 3 भागों में बांटा गया था और इस मूवी के 39 एपिसोड बनाए थे। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे 7 स्पिलिंग्स स्टेपेंस किंग एस्क्लेडिस एंड डार्लिंग फ्रैंक ने। इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे रायन सट्रेंस ने। सिनेटोग्राफी दिए थे क्रॉड फैल डेविड ग्रेट्स ने और डेक ई टैलेंट ने। इस मूवी को एडिटिंग किए थे टॉमी ए गॉड ने और इस मूवी की रनिंग टाइम थी 43 मिनट। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे अल्मलियाना टेलीविज़न ब्रास ब्रॉन्स CBSE टेलीविज़न स्टूडियो। इस मूवी का ओरिजिनल नेटवर्क थी CBS और इस मूवी को पिक्चर फ्रंट रखा गया था HDTV 180+ पर। इस मूवी की ओरिजिनल रिलीजिंग डेट थी 24 जून 2013 और लास्ट सितंबर में 10 जून 2015 यानी कि ये मूवी के कई एपिसोड भी बने थे। तो अगर आप भी अंडर डोम मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।